हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो आप सभी को पता ही चल गया होगा कि काफ़ी दिनों के बाद हम वीडियो बना रहे हैं, लगभग एक महीने की तरह, एक महीना तो लगा लो कि उसके बाद ही हम कैमरा को उठाए, और हमें आए हुए काफ़ी दिन हो गया, 10-15 दिन तो लगा लो, उसके बाद बिल्कुल मन ही नहीं किया कोई वीडियो शूट करे, कहीं बाहर जाए। पूरा हमने टोटली काफ़ी हमने रेस्ट किया। अभी फील भी, एक तो इतनी की गर्मी है, क्या बताओ, है कि नहीं है। हाँ गाइस, तो साथ ही मैं भी आपसे मिल रहा था, तो सभी के मैसेज आ रहे थे कि आप कहाँ पर गुम हो गए, रीना ब्लॉग्स वाले कहाँ पर चले गए। और ऐसा ही हमारे ब्लॉग्स के साथ होता है कि हम वीडियो हमारी माशाल्लाह ऐसे होती है कि कभी तो हमारी आ जाती हैं तो कभी हमारी इतना के गैप पड़ जाता था, महीना महीना भी हम वीडियो नहीं बना पा रहे। इसके पीछे भी काफ़ी रीज़न है, वो हम आपको बाद में बताएंगे, बट फिलहाल हम इस टाइम पठानकोट में, आपने जैसे देख ही लिया होगा, पर अभी मिल लिया गूगली टाइम। अजीब थी, अभी नीनी दिखो तुम बेचारा। या अभी नींद से बिल्कुल इसको उठाया गया है, जबरदस्ती उठाया गया है। नहीं गाइस, उठाया नहीं गया, पहले यह स्टोर में सोया हुआ था, स्टोर से उठ के आ गया। जब हमने ब्लॉगिंग करनी शुरू की, इसको भी लगा कि कोई आया है अंदर, उसको इस हिसाब से लगा। तो गुगली बड़ी नीनी आई है, बड़ी नीनी आई है। तो फिलहाल गाइस, अभी तो आज का रूटीन ऐसे ही है कि गर्मी है, बट आपको मैं एक दो तीन चीज़ें मैं बता दूँ आपको कि मनी महेश की यात्रा को लेके कि ये बड़ी ही जोरों थोरों से इस साल यात्रा चल रही है। और ये ना समझिए कि हमारा कोई प्रोग्राम नहीं बना, हमारे बीच में दो तीन बार प्रोग्राम बने, हमारे बैकपैक होते हुए भी रह गए मनी महेश, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस साल हमें भोले बाबा जी ने बुलावा दिया है। बट फिलहाल आगे देखो क्या होता है, क्या नहीं होता, यही हम पहले तो बता रहे हैं। हमने ईच एंड एवरी सभी का व्लॉग हमने देखा कि यात्रा हमने लगा लो कि आप सभी के कारण हमने यात्रा यहाँ से कर लिया। हम घर में बैठ के आराम से सभी का यात्रा देखा, काफ़ी इंजॉय भी किया और कर रही है आगे भी। पहले शुरुआत और खास कर लंगरों का भी इंजॉय कर रही है, और रीमा को देखने में बड़ा होता था कि जैसे कि रीमा ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया लाइफ में ना, ये जो लंगर वगैरह का कि कैसे होते हैं और लंगर में क्या क्या डिशेज होती है। और एक्चुअली गाइस मैं बता दूं कि मैं 3-4 बार आगे भी मनी महेश हो चुका हूँ, मैंने हर तरह के एक्सपीरियंस लिए हुए हैं। साथ में रीमा को मैं ये भी बोलता था कि वहाँ की जो यात्रा वो बहुत ही ज़्यादा टफ यात्रा, वहाँ पर एक एक कदम उठाना भी बहुत ही टफ माना जाता है, और खुद मैंने एक्सपीरियंस किए हुए हैं इस चीज़ों को लेके। और मैं और रीमा का सबसे ज़्यादा यही होता था कि भोले बाबा जी से तो रीमा को बहुत प्यार है, बट रीमा का ये भी होता था कि वहाँ पर लंगर जाना है, कहीं कुलचा खाने को मिल रहा है, कहीं पर लड्डू मिल रहे हैं, कहीं पर बर्फी मिल रही है, कहीं खीर मिल रही है। इतनी मज़ा आप सभी को, बात खाने पीने का भी नहीं है, बात देखने का भी, लंगर, हाँ इधर भी लंगर लग। बड़ी पहले याद है जब हम दिलोजी जाते थे यात्रा में, मैं गिनती थी इधर इधर भी लंगर। और इस बार तो गाइस मैंने सारे ही यूट्यूब में वीडियोज़ काफ़ी लोगों की देखी और काफ़ी इंफॉर्मेटिव मिली कि वहाँ पर, जैसे कि इस बार तो रास्ता मैं पूछूं कि कभी हमारे टाइम में भी ऐसा नहीं लाइफ में हुआ था कि इतना पुल वगैरह क्रैश हो गया, फ्लड आ गया, ये वो, और पत्थर गिर रहे हैं, ये वो सारा कुछ हो रहा है। बट होता हर साल है, ऐसा कुछ ना कुछ होता है, बट इस साल की यात्रा जो कि बड़ी ही टफ मानी जा रही है, वो आता कि इस साल प्रशासन ने भी कुछ इतना खास नहीं वहाँ पर अरेंजमेंट किया जो कि पहले टाइम में होता था। ये मैं बात करूँ आज से कोई 5 साल या 10 साल पहले की बात है कि वहाँ पर रास्ते बड़े ही अच्छे हुए होते थे, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हुए हैं इस चीज़ों को। तो फिलहाल रीमा का बेचारी का बड़ी बार बैग पैक करवाया मैंने कि चल चलते हैं। और हमारा मेनली ये भी था कि पहले रखड़ी से पहले बरसातें आ गई, बरसातों के बाद फ्लड आया, फिर हमने कैंसिल किया प्रोग्राम। फिर हमने सोचा वो क्या कह रहे, राधा अष्टमी, कौन सी है, जन्माष्टमी, उस दिन भी वो ऐसे कुछ हुआ, फ्लड ही आ रहा था, फिर हमने इसके बीच में उसकी बात, तो ये बरसातें आ गई और टोटली हमने, क्योंकि गाइस मैं एक चीज़ बोलूँ, हमने जाना होता है बाइक में और गाड़ी में तो रीमा का सफ़र नहीं हो पा रहा। और दूसरी बात है कि हमने अपने साथ लेके जाना है, जब भी जाएंगे तो गूगलू को हम घर में जा नहीं सकते, और गूगलू को लेके जाना, और इसमें यह होता है कि जो हमारा गूगलू है वो थोड़ा सा भी पानी पड़ जाए ना, गीला हो जाए ना, तो उसको ठंड चढ़ जाती है। तो इस चीज़ों को लेके हमने डिले करते हुए इस बार हमारा प्रोग्राम डिले ही हो गया। तो हम ये भोलेनाथ को कहते हैं कि हमें यहाँ से ही हम आपके दर्शन कर लिए, जब बुलाना होगा अपने आप
चाहे ये साल हो अगले साल हो जब जब भी होगा तो भोलेनाथ का वो, तो भोलेनाथ की मर्जी हो, तो कहते हैं ना कि पल भर में ही प्रोग्राम बन जाता है, तो वैसे ही कुछ ऐसा ना सीन हमारे साथ भी क्रिएट हो जाए। फिलहाल अभी तो हमारा पोस्टपोन है सारा प्रोग्राम, तो बाकी रीमा को बड़ा शौक था टिक्की खाने का, गोलगप्पे खाने का, जैसे कि हम वीडियोस में देख रहे हैं। मैंने क्या सोचा था दंशोक क्या है वहाँ ताकि मैं चाहे वहाँ से माथा देख लो, लेकिन रीमा कह रही एक्चुअली गाइस ये भी था कि हमारा हेलीकॉप्टर में जाने का भी प्रोग्राम बना हुआ था, बट यही था कि रास्ते ख़राब होने के कारण और बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण ना हमने सारा डिले कर दिया। यहाँ मैंने सोचा हुआ था कि चाहे मैं तो पैदल यात्रा करता हूँ, क्योंकि यात्रा जो पैदल होती है वही मान्य होती है, तो मैंने सोचा था रीमा और गुगलू को घोड़े, मैंने बोला नहीं जानवर को मैंने क्या कष्ट नहीं देना, और दूसरी बात मैंने तो यह सोचा हुआ था कि रीमा और गुगलू को तो मैं भेज दूंगा हेलीकॉप्टर में, और मैं चाहे पैदल आ जाता वहाँ पर मिल लेते गौरीकुंड में। तो जैसे भी आप, बाकी है कि भोलेनाथ का जब तक हुक्म ना ना हो तब तक हम नहीं कुछ कर पाते, तो वैसा ही है कुछ हमारा सीन। बाकी फिलहाल आगे ए तुजल, मैं तो जाने वाली हूँ किचन में, मेरा फेवरेट प्लेस जो खुद भी बना के खाओ और दूसरी को भी खिलाओ। अच्छा मैंने कहा इस, मैंने ये भी बोला कि रीमा को चल तुझे ना मैं यहाँ पर, क्योंकि पठानकोट से आपको मालूम है जिसने भी यात्रा करनी है वो तो पठानकोट से होकर जाता है, तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि काफ़ी लोग आते जाते यात्रा कर रहे हैं, तो काफ़ी एक्साइटमेंट होती है उनको देख के जब बाइकों में जाते हैं गाड़ियों में जाते हैं, बोले की फौज करेगी मौज, ऐसे ऐसे करते हैं। मतलब यहाँ से हम जब भी देखते थे कि बाइकों में काफी लोग जा रहे हैं या कुछ है, तो मैं रीमा को घर में आके ये बोलता था चलो जी इतने लड़कों की ग्रुप गए हैं, इतने प्रेस मारो फिर रखू का ना, बाकी कहता था मैं कपड़े फिर डालते ही जाते थे, एक्साइटमेंट का लेवल का कोई ठिकाना ही नहीं था, बस था क्या, नहीं क्या था, अभी भी है लेकिन देखते हैं आगे क्या फिलहाल बनता, बट अभी तक तो यही है कि बोले की इच्छा के ऊपर ही हम, कि भोलेनाथ बुलाएंगे तो हम जरूर जाएंगे, बट रीमा को रोज मैं एक्साइटेड करता रहता था, रोज जब भी मैं जॉब से आता था तो रीमा को अभी भी फिलहाल मैं बोलता हूँ कि चल तुझे लंगर लुंगर टेस्ट करवा दे, तो कोई ऐसी बात नहीं होती, भगवान का प्रसाद है कोई बात नहीं, क्योंकि बट यही बात है कि रीमा यही कहती थी कि नहीं जाना क्योंकि कुछ अच्छा नहीं लगता, हम कौन सा यात्रा करके आए, जो यात्रा करते हैं बेसिकली उनके लिए ही सही, मैंने लंगर तो उनके लिए ही होता ना, ऐसे तो हर कोई खाने लगा तो बस अच्छा नहीं लगता, फिर भी जो भी है अच्छा नहीं लगता, तो ये नहीं है कि हमने पार्टिसिपेट भी किया बट फिर भी हम नहीं इस चीज को देखेंगे, तो ये है कि कभी यात्रा में जाओ, अक्सर गया है ना, तो अभी फिलहाल यात्रा भी थोड़े दिन की रह गई हुई है, उसके बाद यात्रा खत्म हो जाएगी, फिर नेक्स्ट ईयर देखेंगे। चलो जो है इस बारे में बात कर रहा था कि रीमा ने गुगलू को बड़ी ही गंदी आदत डाली है, वो अभी देख लीजिए, ये खुद अपना आदत, और ये गाइस ये है गुगलू की पेडिग्री और चपाती ग्रेवी है जो भी है, तो ये इसको खाने की आदत बहुत ही गंदी पड़ी हुई है, ये ऐसे खाता है, इसको रख दो, इसने बिल्कुल सूंघ के, अभी इसको रख देंगे ना इसने सूंघ के भाग जाना है, तो ये कभी नहीं खाना खाता, अभी इसको यही आदत पड़ गई हुई है ऐसे बिल्कुल बच्चे की तरह, एक्स्ट्रा काम। हाँ और रीमा को भी बड़ा अच्छा लगता है गुगलू को उठा के ऐसे खिलाना, भूखा ना रहे मैं तो, हाँ भूखा ना, अच्छा यही चीज सर्दियों में होने से आहा कितना मजा, अभी तो ये नीनी ये देखो सुन रही है, ये मेरे को ना पार भी कर देता है, ये देखो जो भी हो बड़ा पाला है, मैंने आपको बताना था वो मैंने बता दिया कि ये इसकी खाने की ये रूटीन और है। और एक चीज मैं बता दूं, बहुत जल्द गुगलू का बर्थडे भी हम आने वाला है, बहुत ही धूमधाम से सोच रही है सेलिब्रेट करने का ना, गुगलू का चिकू के, तो चलो गाइस रीमा को ये काम करने देते हैं कि गुगलू को खाना खिलाने देते हैं। तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7 और रीमा छुप गई हुई है और रीमा खेल रही है गुगलू के साथ हाइड एंड सीक, और रीमा अभी इसको ये ढूंढ रहा है, अभी देखना गाइस ये देखो ये ढूंढ रहा है, अभी रीमा को ढूंढ रहा है, अभी ये सोच रहा है रीमा अंदर है, मैं दरवाज़ा खोल देता हूँ, इसको लग रहा है रीमा अंदर है, गाइस ये देखिए 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 हर जगह ये ढूंढेगा अभी, रीमा आवाज लगा रही है इसको जैसे आवाज,
देखिए 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 गाइस, लाइट ऑन कर दी हुई है, लाइट लगा दी कैमरे की। अभी ये ढूंढेगा, अभी ये गैरेज में गया ढूंढने, इसको लग रहा गैरेज में है। बस रीमा इधर छिपी हुई थी, उस टाइम बड़ा अच्छा था जब रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो गाइस एक्चुअली वो वहाँ पर लाइट ही नहीं थी तो रिकॉर्ड किया था। और ऐसा सीन यहाँ पर हमारे घर में रोज ही चलता है, रीमा छुप जाती है और ये कभी इधर ढूंढ, आपने देख लिया होगा, कभी कमरे में ढूंढता है, कभी स्टोर में चला जाता है, कभी बाहर घूमता है। तो इसके साथ शाम को रीमा जरूर हाइड एंड सीक जरूर खेलती है। रीमा फिर छुप गई, रीमा फिर छुप गई। तो बस थक गया, नहीं मैं नहीं, गुगलू गुगलू भी थक गया, गुगली भी थक गई, दोनों थक गए। तो बड़ा ही ज्यादा खुश हो जाता है ये। तो अभी फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। आज का आज या फर्स्ट 1 सितंबर है, 1 सितंबर से याद है, पिछले साल इन दिनों में कल सीधा शुक्ला की डेथ की न्यूज खबर सुनी थी और ऐसे लगा था पाओ से जमीन। हाँ गाइस, क्योंकि रीमा का वो बड़ा फेवरेट था, अच्छा फैन था, फैन थी रीमा बिग बॉस से ही। तो सिद्धार्थ शुक्ला हो गया हमारे, जैसे कि सिद्धू मूसे वाले हो गए, और हमारे जो वो जिसने सुसाइड किया था, क्या नाम, सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत, वो हमारे काफ़ी चहेते थे। तो काफ़ी दुख भी लगता है कि इतनी अच्छी एक्टर एक्ट्रेस एकदम चले जाते हैं, तो काफी ये नहीं, आम इंसान भी जाते हैं, लेकिन ये है ना उनको हम पर्दे में देखते हैं, पता चलता है। और कुछ गलतियां हमारे एक्टर्स की भी होती है, वो भी कुछ इतना कुछ लाइफ सही होते हुए भी इतनी टेंशन ले लेते हैं, इतना कुछ कर लेते हैं, तो उनको भी थोड़ा देखना चाहिए कि उनके कितने फैंस हैं, कितने ऑडियंस, कितने लोगों को दुख होता है। तो ये चीज़ की उनको सोचना चाहिए कि उनके लिए ये नहीं कि फैमिली है, पूरी फैन फॉलोइंग्स ही उनकी फैमिली होती है एक तरह की। तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें भी कि कोई ऐसा स्टेप लेने से पहले कि कितना दुख पहुंचेगा, कितने लाखों लोगों को दुख पहुंचेगा। अच्छा, तो पिछले साल मुझे अभी भी याद है, आप जॉब से जल्दी आ गया था ये। हाँ, तो मैंने ही रीमा को बताया, कुछ देर तो हम रुक रहे थे, ये फेक न्यूज़ इंटरनेट में जैसे कि पता है कि काफ़ी फेक न्यूज़ भी होती है, तो हम वेट किया कि फेक न्यूज़ है, लेकिन नहीं। तो मुझे बिल्कुल याद है वो पिछले साल, काश वो फेक न्यूज़ होता था, आज तक लाइव होते हमारे बीच में। तभी तो कहते हैं जिंदगी बड़ी छोटी है, इसलिए मुस्कुरा क्या, मुस्कुराते रहो और खुश रहो। बिल्कुल सही बोला। तो चलिए गाइस, आज का व्लॉग काफ़ी ही लंबा हो चुका होगा आई थिंक सो। बाकी भोलेनाथ की इच्छा रही तो ज़रूर हम जाएंगे, बाकी नहीं इच्छा रही तो भोलेनाथ तो हर जगह ही है, ये नहीं बात, हमारे कण कण में बसे हैं शिव भोलेनाथ, तो ऐसी बात नहीं है। बट फिलहाल वहाँ पर उनका स्थान है, वहाँ पर दर्शन करने की, मतलब साक्षात शिव भगवान के दर्शन करने के बराबर ही है समझ लीजिए, तो उनकी नगरी में जाके। तो बस फिलहाल आज का व्लॉग इतना ही रहेगा, और आपको आई थिंक सो ये व्लॉग अच्छा लगा हो, तो अच्छा लगा तो आपने करना है इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और मिलते हैं ऐसे ही एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, सभी के साथ, मेरी प्यारी गुगली के साथ, गुगली मुझे ये ठंडा, मैं पानी में बैठ गया, तो अभी गुगली नहाई नहाई भी करेगी, इसको गाइस काफ़ी गर्मी लग रही है। तो चलिए गाइस फिलहाल यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय, गुड नाइट।